हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अबला टैग में। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक मैंने इस लाइन को मॉडिफाई नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है क्या अच्छा सा लाइन रहेगा। तो अगर आपके लिए आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया चलता हो तो कमेंट कर दीजिए। वेल, हो गई फालतू बात है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज की टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि आजकल यूट्यूब पे है ना एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा लीक हुआ है। और वो वीडियो है एसुस की तरफ से, यानी कि एसुस ज़ेनफोन 9। ये फ़ोन जो शायद ही कंपनी कुछ प्लानिंग वगैरह कर रही थी इसको लॉन्च वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग से पहले ही किसी का प्लान हो चुका था कि इसको पहले ही पब्लिश कर देना है। तो किसी ने इसे यूट्यूब पे वक्त से पहले ही डाल दिया था। उस चैनल का मैं नाम आपको बता देता हूँ, फैनी बुक करके ये नाम है, फैनी बुक यूट्यूब चैनल का नाम है। तो उन्होंने ये वीडियो को डाला था। फिलहाल अभी तो वो वीडियो हट चुका है यूट्यूब से, और देखते हैं कि क्या था उस वीडियो में जिसके वजह से उसको ये वीडियो हटाना पड़ा। और कुछ बहुत सारी स्पेसिफिकेशन उन्होंने, एकदम ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है एक टीज़र मोबाइल का, जैसा एक उन्होंने सेम अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं कौन सा वो ट्रेलर है और क्या क्या हमें इस फ़ोन में मालूम पड़ता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हो अबरा टेक, मैं हूँ आपके साथ अबरा। तो दोस्तों, बात करेंगे एसुस के तरफ से वीडियो लीक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं लगेगा, जिसको लगना था उसको लग चुका है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कौन सा वीडियो है। और दोस्तों, बात करेंगे साथ ही साथ इस फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, और अपने तरफ से एक गेस अमाउंट बनाएंगे कि इस फ़ोन की प्राइसिंग लगभग लगभग क्या होने वाली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एसुस ज़ेनफोन 9 के स्पेसिफिकेशन की तरफ, और क्या देखने के लिए मिलता है इसकी स्पेसिफिकेशन वाया लीक वीडियो की तरफ से। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशन का। तो दोस्तों, बात करेंगे स्पेसिफिकेशन। आपको पता है मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ इसके डिस्प्ले से। तो दोस्तों, एसुस ज़ेनफोन 9 का जो स्पेसिफिकेशन, और मैं वीडियो डिस्प्ले से जो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिल रहा है 5.9 इंच की एमोलेड, सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने के लिए इसमें मिलेगा, या फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये वीडियो था, वीडियो के आधार पे मालूम पड़ रहा है कि इस फ़ोन में सैमसंग की तरफ से आने वाला जो एमोलेड डिस्प्ले है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और डिस्प्ले के ऊपर एक लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कैमरा, यानी कि सेल्फी कैमरा का गोल गोल क्या बोलते हैं उसको, डॉट टाइप का रहेगा, यानी कि ब्लैक रहेगा, जिसे आप सेल्फी कैमरा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा 120 हर्ट्ज के साथ इसका डिस्प्ले। तो दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे हम प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, 8+ Gen 6 का प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप समझ सकते हो ये प्रोसेसर है जो काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है एक तो स्नैपड्रैगन का है, सेकंड थिंग कि ये जो प्रोसेसर है काफ़ी फास्ट है क्योंकि ये सबसे अपडेट है। और ये जो प्रोसेसर है अभी बहुत कम ही फ़ोन में देखने के लिए मिल रहा है। कम फ़ोन बोले तो जो बहुत ज़्यादा हाई बजट के जो फ़ोन होते हैं ना, उस फ़ोन में हमें ये प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो इस फ़ोन का कीमत होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत हाई होने वाली है। अगर आप 20-25 वाले, अगर 30 वाले भी सोच रहे हो कि मैं ये फ़ोन अगर आएगा, काफ़ी अच्छा ट्रेजर वगैरह तो आया है, तो मे भी शायद आपको पता होगा इसका जो लास्ट वर्जन जो 8 रिलीज़ हुआ था वो भी काफ़ी महंगा था, 53 के अराउंड में उसकी प्राइसिंग थी। तो अब वो उम्मीद छोड़िए, छोड़ दीजिए कि यहाँ पे आप 30,000 के बजट लेके बैठे हो, अगर इस फ़ोन का वेट कर रहे हो तो ये आपके हाथ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल रहा है। एज़ पर इसका लास्ट वेरिएंट में हमें स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर देखने के लिए मिला था, लेकिन वो 888 का प्रोसेसर था, और यहाँ पे 8+ Gen का प्रोसेसर हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमें इसका कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, ये सोनी के तरफ से आया हुआ कैमरा, यानी कि यहाँ पे सोनी वाले ने अपना कैमरा इनको दिया है लगाने के लिए। जाहिर सी बात है कंपनी एक दूसरे से मिल के ही कोई भी फ़ोन बनाती है,
मतलब आपको पता है ना कि नहीं पता है कि मतलब एक फ़ोन तैयार करने के लिए हमें सबके दरवाजे पे खटखटाना पड़ता है। सैमसंग वाला भाई डिस्प्ले दे दे, सोनी वाला कैमरा दे दे, स्नैपड्रैगन तो प्रोसेसर दे दे, तो जाके हमारा एक फ़ोन बनता है। ये नहीं कि कंपनी शाओमी है तो सब खुद ही बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। सब कहीं ना कहीं से जुगाड़ मार के, मतलब जुगाड़ के पैसा दे के अपना सामान खरीदते हैं और अपने हिसाब से बजट के हिसाब से बनाते हैं और उसका प्राइस उस हिसाब से सेट करते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, मे भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हमें सोनी की तरफ से जो सेंसर देखने के लिए मिल रहा है, IMX766 का सेंसर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 50 मेगापिक्सल का वो सेंसर होने वाला है और साथ ही साथ इसमें गिम्बल सपोर्टेड प्रोसेसर होने कैमरा होने वाला है। यानी कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो जस्ट लाइक आप फ़ोन हाथ में लेके अगर रनिंग भी करोगे ना, तो आपके फ़ोन का वीडियो, अगर आप वीडियो चालू करके रनिंग कर रहे हो, तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आप रनिंग कर रहे हो। मतलब ऐसा लगेगा ऐसा जा रहा है, अगर आप ज़्यादा हाथ को मूव नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा ऐसा जा रहा है वीडियो। तो उसको कहते हैं गिम्बल सपोर्ट। तो उसके वजह से है ना, हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा देखने में आता है, रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस हमें काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलता है। तो वो चीज़ इस फ़ोन में होने वाला है सपोर्ट। तो आप समझ सकते हो ये फ़ोन आखिर में कितना ज़्यादा अच्छा है और क्या ही इसके प्राइस होने वाले हैं। वो आप अभी से दिमाग में बैठाना, इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके बैटरी के बारे में। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे बैटरी भी हमें थोड़ा छोटा ही देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट अक्सर मैं देखा हूँ जो अच्छे फ़ोन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोन होते हैं ना, उनकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ही कम होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक एवरेज के हिसाब से एक कम होती है। तो यहाँ पे जो हमें बैटरी देखने के लिए मिल रहा है, 4300 mAh की बैटरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर भी ठीक है। मतलब अच्छी फ़ोन जो होती है ना, उसमें अक्सर बैटरी कम होती है। आप वन प्लस देख लीजिए, आईफोन देख लीजिए, क्योंकि उनको अपने फ़ोन को है ना क्वालिटी वाइज बनाना रहता है, बैटरी डाल के इतना बड़ा नहीं करना होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो इसकी बैटरी है 4300 mAh, 8+ Gen का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बैटरी कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जस्ट कर लेगा, 5000 या 6000 mAh को बीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा है। कभी भी याद रखना, बैटरी परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि यहाँ पे इसकी बैटरी कितनी दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको 4300 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ 3.5 mm का जैक पिन यानी कि हेडफोन सपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे फाइनली मिल रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे फ़ोन ऐसे हो गए ना, जिसमें आपको ईयरफोन का ऑप्शन ही हटा दिया, या फिर ईयरफोन के लिए उसी चार्जिंग वाले में घुसड़िए, तो क्या होता है कभी चार्जिंग नहीं हो रहा, तो अगर आप ईयरफोन नहीं सुन पा रहे तो समझो आपका चार्जिंग गया, फिर चेंज जो भी हो करना पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे स्पीकर के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको ऑडियो के लिए। तो कह सकते हो कि अगर गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट राइट वाले में आपको आवाज़ आएगी, और फिर जब ऐसा चले जाएगा तो फिर लेफ़्ट वाले में आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ से चले गया। अगर आप हाथ में मोबाइल पकड़ के देख रहे हो तो ये पहला सेंसर आएगा, मतलब वाइब्रेट होगा, फिर बाद में ये वाइब्रेट होगा, मतलब ऐसा जाता है। तो ये एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें डुअल स्पीकर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन, अब हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि इसकी जो प्राइसिंग है वो लास्ट यानी कि ASUS के ZenFone 8 में जो प्राइस इन्होंने रखा था, जो मई में लॉन्च हुआ था यूरोप में, तो वो 6 GB रैम और 128 स्टोरेज वाले की कीमत लगभग 53,000 के आसपास थी, यानी कि 50+ थी। अब जाहिर सी बात है इस फ़ोन में हमें उससे भी अच्छी और फैसिलिटी और अच्छी अपग्रेडेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो मे भी 55 के आसपास इस फ़ोन का भी प्राइसिंग होने वाला है। तो अब देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये ऑफिशियल अनाउंस करते हैं या फिर ऑफिशियल कोई ट्रेलर वगैरह शो करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो ये थी उस बंदे की तरफ से आई हुई लीक वीडियो के बेस पे ये वीडियो। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो हमारा आज का कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना तो गया फिर भी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।